नमस्कार दोस्तों, तो आज एक और मस्त एकदम स्टोरी टाइम होने जा रहा है, तो जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से जाओ, पॉपकॉर्न उठाओ, रेडी हो जाओ और मस्त स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तो लेट्स रोल द इंट्रो। सो व्हाट्स अप गमी बेयर्स, इट्स मेविक और आज मैं आपको अपने एक 8th क्लास के किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एक टाइम था जब बीबीके वाइंस का दौर चलता था। सही खेल गया। उस टाइम उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था जो कि सबको याद होगा। इट गोज लाइक दिस, अन्नमंड का टोला जूना नाचा, पैर का लगा नाचा। तो ये प्रथा हमारे स्कूल के भीतर समा चुकी थी। हमारे सीनियर हमें बीबीके वाइंस के चैनल के बारे में बता चुके थे एंड हम बस यही सोचते रहते थे कि भाई तूने बीबीके चैनल देखा है? हाँ भाई यार देखा है यार, कितना मस्त चैनल है वो। भाई मेरे को ये बात समझ नहीं आती। क्या भाई? यार वो सबके सामने गाली देता है, उसके पापा मम्मी कुटाई नहीं करते होंगे? पता नहीं भाई, उसके पापा भी गाली देते होंगे। वो तो मेरे पापा भी देते है, चाहे मेरी कुटाई हो रही होती है। तू भी अपना चैनल शुरू कर ले। नहीं यार पापा मारेंगे। एंड जो चैनल बीबीके वाइंस एंड कैरी जैसे चैनलों से इंस्पायर हुए हैं, मीन वाइल वही क्लास थी, वही समा था और एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्लास शिफ्ट हो रही थी एंड उस टाइम के बीच में हम सब बच्चे बकचोदी कर रहे थे। तो हमारे क्लास में एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा ही सफेद थी। इतनी सफेद थी कि अगर आप उसके मुंह को ब्रश के जगह लेकर दीवार पे रगड़ोगे ना तो पूरी दीवार पेंट हो जाएगी। तो उसका रियल नाम हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, उसका हम नाम रखते हैं इसमें व्हाइट पास्ता और एवर कोड वर्ड छोटा स्वराज। छोटा सा एक और इंसिडेंट बताता हूँ, ये भी सुनी लो। एक दिन मैं उसको ऐसे ही मतलब मजाक में उसको व्हाइट पास्ता बोल रहा था और वो मेरे से नाराज हो गई। फिर मुझे बाद में पता चला कि उसकी गली में एक डॉगी है व्हाइट कलर के, जिनको वो व्हाइट पास्ता बुलाते हैं। यू नो एज अ जेंटलमैन मैंने माफी मांगी और सब सॉर्ट हो गया। और क्या, लेट्स बैक टू आवर स्टोरी। तो उस दिन क्या हुआ, रेगुलर की तरह हम सब बोलते थे अंड बंड का टोला जो नाना च, आगे समझ जाओ यार। अभी ये भी नहीं है कि अपने अपने में बोले, ये भी तब बोलते थे जब टीचर क्लास में हुआ करता था। तो इस बार ना एक बच्चे ने इसको इम्प्रोवाइज कर दिया। अभी तक मेरे को उस बच्चे का नाम नहीं पता यार, पता चल जाए उसको बहुत कूटने का मन करता है। तो इस बार क्या हुआ था, हमारे सामने से व्हाइट पास्ता जा रही थी, देन सडनली एक बंदा पीछे से चिल्लाया अंड बंड का टोला, जिसने व्हाइट पास्ता का नाम नहीं लिया वो आगे समझ जाओ। अब होना क्या था, सारे अपने बॉयज वाले रिलेशनशिप में बंद रखे थे कि भाई हाँ बॉयहुड होता है, तो अब सबको चिल्लाना ही था। तो सब एक साथ चिल्लाए व्हाइट पास्ता व्हाइट पास्ता व्हाइट पास्ता पास्ता, ओके गलत हो गया। एंड वो सबसे चिढ़ गई, वो गई भगी भगी एसएसटी वाले टीचर को बुला के ले आई। बाकी हमारी एसएसटी वाली सर से तो वैसे ही फटती थी, बट उस टाइम उनका फेस देख के हमारी फटके 64 हो गई। तो सर ने सिर्फ एक बच्चे को छोड़ा केशव, क्योंकि वो क्लास में सबसे ज्यादा शरीफ था, गेस बेटर नॉट वो नहीं था। एंड बाकी सबको लाइन में बाहर ले गए। अब आया एक खौफनाक मंजर, सबको लाइन में बाहर खड़ा कर दिया और फिर पूछा अभी बच्चों बताओ इसका नाम क्यों चिल्ला रहे थे? कोई कुछ नहीं बोला। अरे शांत हो रखा था, हमने डिसाइड किया था कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिसने बोला वो बाद में सबसे पिटेगा। एंड किसी ने कुछ नहीं बोला एंड सर भी हमसे कुछ बुलवा नहीं पाए। एट लास्ट सर ने कहा अंदर चलो, हम भी सारे अंदर चले गए लाइन से वो भी। और साला जो एक घंटा धूप में रखा था ना, उससे मेरा एक टोन कलर डार्क हो चुका है। फिर एंड जो बंदा अपना गलत नंबर बता रहा था उसके चाटी 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 पड़ रहे थे। एंड आखिरी में यू गेस किसकी बारी थी, मेरी ऑब्वियसली, एंड मेरा नंबर आखिरी में था। और इन सब की पिटाई देख के तो पता है मैं बचपन से ही फटू था तो भी मेरी बहुत फट रही थी। फिर मेरी बारी आई एंड मैंने सही नंबर बता दिया बट किसी ने उठाया ही नहीं। तब तक सर के हाथ में भी मार मार के दर्द हो चुका था और इसी कारण मैं बच गया। बस आज की स्टोरी खत्म। तो आज की स्टोरी इतनी सी थी। अगर आपको और स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो जल्दी से लाइक करो, तो करना वीडियो को शेयर करो। आप अपने स्कूल की यादें अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक करो इस वीडियो को। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बार का एम हम रखते हैं 200 लाइक्स एंड शेयर करो फटाफट, ठीक है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम अ सर्टिफाइड बेरोजगार। बाय बाय। क्यों नहीं कर रहे
दिल के।